तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमेशा की तरह गाइस, आज भी अपन लेट है, बहुत ज़्यादा ही लेट हूँ। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता इस सीज़न में, बट खैर। सो अभी अपने जो गेम है गाइस, उसे अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पोकेमोन अनबाउंड। तो गाइस, ये जो गेम है, इसके जो भी क्रेडिट्स हैं जाती है इसके डेवलपर्स को, एंड इसका जो डेवलपर है वो है स्केली। तो शार्ट आउट टू यू ब्रो। एंड अभी अपना जो गेम है उसे अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस गेम की जो स्टोरी है मैंने सुनी है बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है, बट गाइस अभी मैं यहाँ पे अगर कट सीन को कट कराना तो मज़ा ही नहीं है। जब तक गेम के अंदर स्टोरी नहीं है वो मज़ा ही कैसे यार, मतलब कि अगर स्टोरी ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पे कुछ रीडिंग सेक्शन है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत रीड करते हुए अपन आगे चलते हैं, क्योंकि अभी अपन को बहुत कुछ रीड करना है। द बोरोसियन रीजन वॉज एल गर्ल बाय अ ग्रेट पोकेमोन। ओके, सो मैंने सब कुछ स्काइप करा, मैंने सोचा था रीड करूँ, बट खैर कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे बहुत टाइम पहले से बैटल चालू थी बोरोन किंग एंड कैलॉस रीजन के बीच में, मगर गाइस बोरोन किंग के लगा कि वो हारने वाला है, तो उसने एक डार्क पोकेमोन को समन करा। वो पोकेमोन था गाइस हुपा, जिससे कि जो कैलॉसियन आदमी थी उसके जो भी एडवांटेजेस थे वो एक ही सेकंड में पूरे डाउन हो गए, एकदम ही फॉल हो गए। एंड जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जो बैटल फील्ड थी उसके ऊपर पे गाइस डार्क फोल्स ऐसी फैल गई, एंड हुपा ने एक क्रिएट करा, एक पोर्टल क्रिएट करा, उसके अंदर से जो भी आर्मी थी वो सबका उसने ट्रांसपोर्ट करा। एंड जो भी कैलॉस की आर्मी थी वो फिर से कैलॉस रीजन में आ चुकी थी। एंड यहाँ पे गाइस वो ओके, सो सच में यहाँ पे पोर्टल ओपन हुए थे। That was awesome. एंड वहाँ पे गाइस अभी ना जो बैटल थी वो एंड होने वाली थी, मगर गाइस जो बोरोन किंग था उसे लत लग गई थी, पावर की लत लग गई थी, लस्ट फॉर अ पावर। उसने अपनी जो आर्मी थी उसे भी उसने पोर्टल के अंदर पे भेज दिया। एंड वो जैसे पोर्टल के अंदर पे आर्मी चलती है तो कैलॉस रीजन के अंदर पे बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक बैटल चलती रही। उस बैटल के दौरान में जो आदमी थे एंड पोकेमोन थे वो बस फाइटिंग करते रहे, या खूब क्या खूब खूब फाइटिंग बस चालू थी। एंड कुछ टाइम बाद जो बैटल फील्ड थी वो एकदम शांत पड़ गई, एंड जो पोकेमोन थे, एक कैलॉसियन आर्मी का सबसे बेस्ट पोकेमोन यानी कि आप लोग राइट हैंड बोल सकते हो, वो शहीद हो गया। तो जो कैलॉसियन किंग था उसने उस पोकेमोन को फिर से रिस्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया, एंड वो जो डिवाइस था वो कोई ऐसा वैसा डिवाइस नहीं था, वो उस पोकेमोन को एकदम ही, मतलब कि एकदम ही अमर बना सकता था, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बना सकता था। एंड उस किंग ने गुस्से में आके अपने जो गुस्से की ज्वाला है उसे शांत करने के लिए उस किंग ने एक जोरों शोरों से पोकेमोन को क्रिएट करा। अनेबल टू फॉरगिव द वर्ल्ड That was Hurge's precious Pokemon. He turns a machine into a giant. उसने एक मशीन बनाई, उसने अपने मशीन को एक जाइंट वेपन में क्रिएट करा, एक जाइंट वेपन नहीं, उसे अपन अल्टीमेट वेपन भी बोल सकते हैं। The king become the bringer of destruction. उसने जो वॉर थी उसे रोक दिया। एंड ओ एक मिनट, ये क्या चीज़ है यार, ग्रेट, यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह कुछ गिरा क्या? सही में वो बहुत ज़्यादा ऑसम था। एंड उसी के साथ में जो बोरोन आर्मी थी वो अपने घर पे बची खुची आ चुकी थी। एंड द किंग पोकेमोन लेफ्ट। ओके, तो जो किंग का पोकेमोन था वो भी उसके छोड़ के चला गया। एंड एकदम शांति थी, मगर इतनी भी शांति नहीं थी, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे आ रहा है वही बोल रहा हूँ, पता नहीं। बट गाइस यहाँ पे जो हुपा है उसने क्या करा, मुझे एक बार रीड करना पड़ेगा, मैंने रीड नहीं करा। सो बोरोन किंग ही हैज़ बीन नथिंग टू डू ऑफर देम दे बिंग्स टू अ मैनिपुलेटेड डार्क फोर्स टू अटैक द बोरोन किंगडम। ओ गाइस यहाँ पे हुपा ने शायद से जो बोरोन किंग की आर्मी थी उसके ऊपर ही उसने फिर से वॉर करी, छेड़ दी उसके साथ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था आई थिंक, सो तभी शायद से। एंड उसको रोकने के लिए गाइस वहाँ पे आता है आर्टिकुनो, ज़ेप्टॉस एंड उसी के साथ में मॉल्ट्रस, जिन्होंने हुपा को एंड कुछ प्लेट्स ऑफ आरसीएस, ये तीनों ट्रियो बर्ड्स ने एंड प्लेट्स ऑफ आरसीएस ने एक हुपा को एक शेप के अंदर डाल दिया। अ प्रिजन वॉज क्रिएटेड फॉर अ डार्क फोर्स सीलिंग इट्स पावर। ओके, सो उसको एक रिंग के अंदर कर दिया, एंड जो अपना हुपा अनबाउंड होता है उसको उसके फॉर्म में, यानी कि छोटो हुपा में शायद से कंबाइंड में, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं है ठीक से, बट उसके अंदर पे उसने उसको डाल दिया। एंड उसी के साथ में गाइस सर अभी तो मेरा गेम स्टार्ट हो जाए यार, मैं कब से रीड करने जा रहा हूँ। ओके, सो 16 साल
बाद में। ये किंग है क्या? आई थिंक सो। हाँ गाइस, मुझे तो एक किंग लग रहा है क्योंकि उसके बाजू में आरसीएस भी है, तो आई थिंक सो एक किंग है दिस पोकेमोन। इफ दिस इज अ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट गो साउथ, इट विल बी अ फॉल राइट इन टू हिज हैंड्स। आई टोल्ड हिम यूजिंग इट्स पावर इज अ डेंजरस। आई नो सो, बट विदाउट माई गाइडेंस आई वरी आई विल बी सेटल ऑन इट एज एन अल्टरनेटिव मैटर फॉर अचीविंग हिज गोल। And that's why I need to do this. Okay, तो गाइस उस बंदे ने अपनी जो पोकीबॉल है यानी कि जो हुपा वाली आई थिंक सो उसको उसने वाटर के अंदर थ्रो करी है। एंड यहाँ पे एक बार देख लूँ मैं रीड करके क्या कुछ समझ में आता है कि नहीं मुझे। Just promise me one thing. Please watch over my child. Okay. तो गाइस यहाँ से अर्सियस जा चुका है बट मुझे अभी पता नहीं कुछ क्या चालू है क्योंकि गाइस अभी मैंने ज़्यादा कुछ तो रीड करा नहीं है। बट आई थिंक सो यहाँ पे जो बंदा था वो किंग था एल्सवेयर। सो ओके, तो ये कौन है, ये कौन बंदा है गाइस? ये तो मैं तो नहीं हूँ ना? नहीं, ये मैं नहीं लग रहा गाइस क्योंकि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर रहा। हो आई कैन फुलफिल अ ग्राम्स विश, आई कैन इवन। ओके सो आई प्रोमिस हिम आई वुड बी फिनिश इट बट एट दिस पॉइंट आई डोंट सी हाउ डैट विल बी पॉसिबल। ओके सो प्लीज आरसीएस, प्लीज इफ यू आर रियल गिव मी अ साइन डैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। ओके तो गाइस सर यहाँ पे आरसीएस ने एक तो गाइस अभी इस बंदे को पोकी बॉल मिल चुकी है, वो यहाँ पे आ चुकी है। आरसीएस इज अ रियल आफ्टर ऑल। सो यहाँ पे गाइस उस बॉल के अंदर से हुपा जो है वो अभी बाहर आ चुका है। दिस पोकेमोन हुपा इट्स अपीयर ग्रैम्प दैट्स देयर मे बी वे आफ्टर ऑल। वे आफ्टर ऑल इट्स टाइम फॉर द इंटरनल फ्लावर्स ऑफ ब्लूम्स वंस मोर। सो गाइस यहाँ पे क्या चालू हो गया, यहाँ पे पकड़म पकड़ाई चालू हो गई है। एंड उसी के साथ में गाइस शायद से बोरॉन आर्मी एंड शायद से केलोसियन आर्मी आई थिंक सो, पता नहीं क्या चालू है। बट यहाँ पे जो आर्मी थी वो बोरॉन की थी एंड राइट साइड में शायद से कैलॉस की थी। एंड यहाँ पे गाइस अपना जो गेम है वो अब भी स्टार्ट होता है यार, अभी तो और भी ज़्यादा गेम के अंदर मज़ा आने वाला है। तो गाइस अभी ना आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं मारा है तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक मार दो। एंड अगर आप चैनल पे एकदम फ्रेशी एकदम न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दो। बट गाइस मैंने ये चीज़ मैं रोज नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से जो लोग हैं मेरी वीडियो कंटिन्यूस एंड रोज देखते हैं बट गाइस अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब भी करो यार, मतलब क्या बस कर ही दो। एंड हाँ गाइस इस वीडियो के ऊपर कम से कम 40 लाइक से ऊपर लाइक कर दो यार, बस सब कर ही दो यार, मतलब कर ही दो बस। मगर फिलहाल गाइस यहाँ पे जो भी रीडिंग सेक्शन है वो सब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे शायद से अपन को अभी अपना करेक्टर भी सिलेक्ट करना है, तो फटाफट यहाँ पे जो भी लिखा रहा है मैं रीड करूँ एक बार। विद डैट माइंड यू आर दी ऑलमोस्ट रेडी टू एंटर दी बोरॉस रीजन बट फर्स्ट। ओके तो गाइस यहाँ पे अपन को करेक्टर चूज करना है, तो अभी कैरेक्टर कौन सा चूज़ कर, लड़का क्या फिर लड़की का? लड़की का भी जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है बट गाइस आई थिंक सो मैं लड़के के साथ जाऊँगा, आई थिंक सो मुझे तो लग रहा है क्योंकि मुझे लड़के का कैरेक्टर सही लग रहा है ऊपर से। एंड यहाँ पे गाइस अभी मुझे स्किन टोन भी सिलेक्ट करनी है, तो अभी गाइस मैं वाइट के साथ ही जाऊँ आई थिंक सो, मुझे तो लगता है इसी के साथ चलते हैं। एंड हेयर कलर ना गाइस थोड़ा सा अलग करेंगे इस बार, ब्लैक नहीं रखते हैं। एंड मुझे ग्रीन सही लग रहा है, मतलब कि ग्रीन सूट कर रहा है बट थोड़ा और चेक करते हैं। बट नहीं, मुझे ग्रीन ज़्यादा सही लग रहा है तो आई थिंक सो मैं ग्रीन के साथ ही जाऊँगा। ग्रीन इज लुकिंग ऑसम तो मैं ग्रीन के साथ ही जाऊँगा। एंड या मुझे ये कैरेक्टर सही लग रहा है। बट नाउ एटलीस्ट व्हाट इज योर नेम? ओके सो मेरा नाम, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस इस नेम के अंदर पे मैं अपना नाम दे दूँ, तो मेरा नाम आकाश है AKASH। हाँ अगर आप तो अभी तक आप लोग नहीं जानते तो हाँ मेरा नाम आकाश है। सो या अभी यहाँ पे एक सिंबल भी होता है ना, तो हाँ ये सिंबल मैं अपने गेम के हर एक कैरेक्टर को देता हूँ, तो मुझे पसंद आता है यार सिंबल तो मैं देता ही हूँ, तो ग्रेट ओके कर देते हैं। तो अभी बढ़ते हैं आगे। यूर नेम इज़ आकाश? या आई माई नेम इज़ आकाश। सो चीज़ यूर प्रिफेयर गेम डिफिकल्टी, तो दिस सेटिंग इम्पैक्ट द डिफिकल्टी ऑफ अ पोकेमॉन बैटल्स, अ हायर डिफिकल्टी मीन्स अ स्मार्टर ट्रेनर एंड स्मार्टर वाइल्ड पोकेमॉन। ओके तो गाइस यार अपन तो ऊपर है, अपन इंसेंस लेवल के बंदे हैं, बट अपन इंसेंस लेवल के बंदे ही है बट मैं जाऊंगा गाइस कैजुअल के साथ में।
एंड हाँ, मैं कैजुअल कोई शूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अभी अपना एक और सीरीज़ चालू है पोकेमॉन रेडिकल रेड, तो उसके अंदर पे भी मुझे ध्यान देना है, तो मैं कैजुअल के साथ ही जाऊँगा। एंड यहाँ पे कैसा, मैंने कुछ सेटिंग तो चेंज करी है कैजुअल में साथ ही, मैं सोचा था इंटेंस के साथ जाऊँ, बट नहीं यार, मतलब कि उतना नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैं कैजुअल के साथ ही जाऊँगा। एंड यहाँ पे कैसा, मुझे कुछ डार्कर वर्जन ऑफ द स्टोरी, ओ ओके, विच वर्जन इज बी अ मच ग्रेटर दैन द नॉर्मल वर्जन। सो आई थिंक सो गाइस, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक मैंने क्या किया, ओके सो मैं इस ऑप्शन को गेम के दौरान भी कर सकता हूँ, पता नहीं मैंने क्या करा था, बट अभी गाइस अभी अपन आ चुके हैं अपने प्यारे से छोटे से रूम में, जहाँ पे अभी हुपा भी आ चुका है। ओके, तो हुपा तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जरा मुझे भी बता दे। एंड मैं तो गाइस हमेशा की तरह आलसी लड़का यहाँ पे सोया हुआ हूँ। एंड ए हुपा ने एक पोर्टल क्रिएट करा, एंड मैं डायरेक्टली गाइस एक लेबोरेटरी के टाइप कुछ एरिया में आ चुका हूँ। हाँ, लेबोरेटरी में आ चुका हूँ, यहाँ पे सब साइंटिस्ट हैं। टू इन वन डे, व्हाट क्विक साइंटिस्ट, ओके पता नहीं गाइस मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। व्हाट आर यू स्टैंडिंग अराउंड फॉर, ग्रैब हिम, ओके नहीं यार मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ दे, नो नॉक हिम आउट and lock him in the warehouse. Sam is going to freak out him when he hears about this. Okay, तो गाइस मुझे अभी एक वेयरहाउस के अंदर पे बंद कर दिया, एंड उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे हुपा भी आ चुका है। पता नहीं गाइस हुपा यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, मैं अपने घर पे एकदम मस्त सो रहा था, तो अभी हुपा ने मुझे उठा दिया, एंड अभी मैं एकदम बेहोश की हालत में हूँ। बट फिलहाल गाइस ये बोरोस आर्मी का आदमी है फिर केलोसियर आर्मी का, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे सब क्वेश्चन मार्क लिख के आ रहा है। एंड गाइस मैं तो ट्राई करूंगा ये जो बंदा है उसका जो भी मिस्ट्री है वो सॉल्व करने के लिए, बट एक बार देखते हैं। जस्ट बिकॉज यू कैन ट्रैवल थ्रू द रिंग एनी मोर दैट डजंट नॉट गिव यू द राइट टू यूज माई क्यूब विदाउट माई परमिशन। ओके सो यहाँ पे शायद से जो बंदा है वो हुपा को डांट रहा है, आई थिंक सो। एंड वाई आर यू आर वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू विद मी, बट यू हैव बीन अ न्यूसेंस एवर सीन आई फाउंड यू ऑन दैट बीच 16 इयर्स अगो। ओके एंड आई मे नॉट बीन योर ट्रू गार्डियन, बट आई एम योर ट्रेनर नाउ, सो एंड यू विल बी एन ओबे मी। ओके सो दिस टू वॉन्ट्स टू रेस्क्यू You from me? Okay, तो गाइस यहाँ पे जो हुपा है उसको इस बंदे ने कैप्चर करा था, आई थिंक सो 16 साल पहले, जब उसको एक बंदे को शायद से एक वो मिली थी पोकीबॉल बीच के पास में, शायद से वो बंदा वही है। बट यहाँ पे गाइस ऑप्शन के अंदर पे चलते हैं, एंड यहाँ पे ना गाइस ओके तो यहाँ पे सब कुछ ऑसम है, यहाँ पे अपन ऑटो रन भी कर सकते हैं, दैट वॉज ऑसम मैन, दैट वॉज लुकिंग वेरी ऑसम। एंड यहाँ पे गाइस एक बार मैं फ्रेम चेक करूँ क्या, एंड ओके अपनी सादी फ्रेम है तो मैं फर्स्ट फ्रेम के साथ ही जाऊँगा, वो मुझे काफ़ी सही लग रही है। एंड यहाँ पे मैं कंफर्म करूँ, बट गाइस मुझे ये पता नहीं मैंने डार्कर मोड में स्विच करा है या फिर अपनी नॉर्मल मूवी चल रही है, बट ये जो क्यूब है उसके अंदर पे शायद से अपन को बैक स्पेस है, आई थिंक सो। अभी कितने बज रहे हैं, ओके सो गाइस आज की तारीख 11 है, एंड अभी रात के कुछ 11 बज रहे हैं, 11:10 कुछ हुआ है। एंड यहाँ पे एक पोकी बॉल है, सो इस पोकी बॉल के अंदर पे मुझे एक पोशन मिली, जो कि अपनी सादी पोशन है, अपने 20 पॉइंट्स को अच्छी खासी गेन करेंगे अपने पोकेमॉन के। एंड यहाँ पे भी एक पोकी बॉल है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं उस पोकी बॉल को अभी ले सकूँगा। एंड यहाँ पे एक केज शायद कुछ वगैरह है, या इसके अंदर शायद से पोकेमॉन होते हैं, आई थिंक सो, इस केज के अंदर पे, क्योंकि ये जो केज है गाइस सिंपली मैंने ऑरेंज आइलैंड के अंदर देखा था, जहाँ पे अपना पार्ट था टीम रॉकेट के साथ में, आई थिंक सो। बट ये भी बंदा गाइस अपने जैसे ही है, एंड इस बंदे को भी गाइस शायद से हुपा ने लाया हुआ है, क्योंकि जब अपन इस वेयरहाउस में आए थे तभी गाइस वहाँ पे एक बंदा था साइंटिस्ट, उसने बोला था एक ही दिन में दो ही ऐसी गलती कैसी हो सकती है, दो बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई थिंक सो गाइस मुझे लगता है मैंने एक नीचे बंदा देखा था, उससे मुझे बात करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो केज है उसकी तो मिस्ट्री मैंने सॉल्व करी है, मतलब कि उसके अंदर पे अपन को पोकेमॉन मिलेंगे, बट सबसे पहले गाइस इस बंदे से मैं बात करूँ, देखते हैं इस बंदे से क्या सीन है। हियर यू डू थिंक यू आर गोइंग किड, आई एम अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू कीप यू लॉकअप। ओके तो गाइस ये जो बंदा है वो अपन को अभी बाहर तो नहीं जाने दे सकता, तो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, तो मैं इस बंदे से बात करूँ। ही इज कॉन्क्यूस, वॉट दिस, देर इज समथिंग रिटन ऑन हिज टी शर्ट, इट्स हिट हिज नेम। ओके तो गाइस मुझे इस बंदे को नाम देना है, एंड इसका जो नाम है मैंने सोचा था यार, मतलब कि अगर आपने
बॉलीवुड की मूवीज देखी हो तो उसके अंदर एक नाम था क्राइम मास्टर गोगो। तो आई थिंक सो गाइस इसके ऊपर कोई एक गोगो थोड़ा सा सूट करता है एंड मैं इसको गोगो नाम देने वाला हूँ यार। सही में यार, मतलब कि इसके ऊपर गोगो सूट करेगा बट इसके ऊपर सिम्बॉल ज़्यादा सही लगेगा नहीं, तो मैं इसके ऊपर शायद से ही सिम्बॉल ना दूँ यार। नहीं, इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा तो मैं सिम्बॉल हटाऊँगा एंड इसके ऊपर पे क्राइम मास्टर गोगो पूरा तो नहीं आएगा बट इसका नाम अपन गोगो रख लेते हैं, ठीक लगेगा इसके ऊपर पे। सो गोगो, हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर आई एम, सो टू व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके, सो टू, ओ वेट वेट, यू आर दैट किड फ्रॉम द डाउन ऑफ द रोड राइट, आकाश आई एम राइट राइट राइट, सो डू यू नो व्हाट वी आर डूइंग हियर, but you don't know, okay, so you must be in the same situation as I am, I have seen you any sort of exit around, yeah I maine abhi abhi dekhi thi piche ek banda hai, so there is a one but it's blocked by a man addressing in black, take me there, आई एम गोइंग टू ट्राई जी, ओके तो चल मुझे मेरे साथ चल एंड ओके। तो गाइस जो बंदा है वो अपने पीछे पीछे चलेगा एंड यहाँ पे अपन रन एकदम आराम से कर सकते हैं यार, क्योंकि अपन इस गेम के अंदर पे अपन को एक ऑप्शन मिलता है ऑटो रन का एंड यहाँ पे इस बंदा जो है वो इस बंदे से बात कर रहा है बट फिलहाल ये जो बंदा है वो तो अपन को अभी बाहर आने नहीं देने वाला। यू वुड बी अ बैटर, लेट अस टू अ राइट, ओके बैक ऑफ की, आई एम अंडर द स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू कीप यू लॉक अप, ओके तो गाइस उस बंदे ने अपने एक पोकेमोन को बाहर निकाला है जो कि अलोला लिचन का है, इसका नाम शायद से एनके होता है, शायद से इसका नाम मुझे पता नहीं बट अभी फिलहाल तो गाइस अभी अपन नहीं जा सकते हैं। सो यहाँ पे जो बंदा है वो मुझसे बात देखते क्या बात कर रहा है, आई वुड बी बेटर टू लुक फॉर अनदर वे, ओके तो यहाँ से अपन को चोरी छुपे जाना पड़ेगा बट फिलहाल गाइस अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा मुझे अभी क्या करना चाहिए एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, मतलब कि कुछ भी नहीं है सच्ची में एंड ओके तो यहाँ पे कोई रूट नहीं यार, यहाँ पे रूट ही नहीं है तो यहाँ पे नहीं जा सकता यार, यहाँ पे अपन को की कार्ड लगेगा कुछ लेवल 2 का, पता नहीं वो की कार्ड कहाँ मुझे मिलेगा बट फिलहाल गाइस सर यहाँ पे एक मिनट, ओके डू यू हियर दैट आकाश, क्या भाई, इट साउंड्स लाइक सम पोकेमॉन्स आर ट्रैप्ड इन द केज ओवर देयर, ओ गाइस यार यहाँ पे अपन को अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिलने वाले हैं तो लेट्स ट्राई गाइस यहाँ पे कौन से पोकेमॉन मिलते हैं एक बार मैं देख लूँ एंड द लॉक अपीयर्स फ्रैगल, ओ यार तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दे भाई तोड़ दे इस लॉक को एंड हैज लॉक हैज बीन ब्रोकन एंड यहाँ पे गाइस मुझे गिबाइट उसी के साथ में गाइस, ओ दैट्स ऑसम गाइस, यहाँ पे जो पोकेमॉन है वो अपन को स्टार्टर पोकेमॉन एकदम ही अलग मिलने वाले यार। सही में मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था गाइस कि ये जो पोकेमॉन है वो अपन को मिलने वाले यार। सही में ये जो पोकेमॉन है यार, मतलब कि सही में मज़ा आने वाला है। जो भी पोकेमॉन है गाइस सब के सब शायद से शुरू लेजेंडरी पोकेमॉन है। यहाँ पे गाइस यहाँ पे अपन को टेरेंटियर मिलेगा, यहाँ पे अपन को गार्ड चैंपियन उसी के साथ में गाइस मेटैंक भी मिलेगा एंड ये रहा गाइस अपना गैबाइट जो कि ड्रैगन टाइप है एंड उसी के साथ में गाइस ये रहा अपना बैलडूम जो कि आगे चल के मेटैंक में इवॉल्व होता है एंड ये रहा गाइस लेवेंटियर जो कि टेरेंटियर है बट गाइस मैं अभी ड्रैगन टाइप के साथ में जाऊंगा यानी कि गिब्बल के साथ में। सो ग्रेट गाइस यार यहाँ पे मैंने गिब्बल को चूज़ करा है एंड इसको अपन निकनेम दे देते हैं यार, मैं सोच रहा इसको एक निकनेम दे देते हैं तो इसको निकनेम ना गाइस मैं ओगी देने वाला हूँ जो कि शायद इसके ऊपर पे सूट करे। आप लोग बताओ इसके ऊपर पे सूट कर रहा है कि नहीं, ओगी तो मुझे सही लग रहा है इसके ऊपर पे तो इसका जो निकनेम है उसको अपन ओगी का निकनेम दे देते हैं, सही लगेगा इसके ऊपर पे। सही में यार वो GG5 मुझे इसकी स्पेलिंग याद नहीं है बट ओगी की स्पेलिंग वही होती है। आई विल बी टेक केयर ऑफ, ओके तो गाइस इस बंदे ने टेरेंटियर को चूज करा है, लार्वेंटियर को मतलब एंड जो बिल्डूम है वो यहाँ से जा चुका है। नाउ व्हाट वी हैव दी ओन पोकेमॉन, लेट्स हेड बैक टू एग्जिट, वी हैव फोर्स, ओके तो गाइस अभी अपन उस बंदे से जाके मिलते हैं, बात करते हैं, अगर वो नहीं मानता है तो अभी अपने पास अपना ओगी तो है ही, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो या आई टोल्ड यू बिफोर आई एम अंडर द स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू कीप यू लॉक अप, hey, you didn't really have a choice now, you are going to let us out or face my wrath, okay to NK hai iske paas main janta hu, quite foolish yourself, there is nothing you can do to make me a let more through, Akash let's team up and show the sky what we can do, ओके तो गाइस यहाँ पे आपने इन दोनों के बीच में टीम अप हो चुकी है, मतलब कि मेरी एंड अपना जो क्राइम मास्टर गोगो है उसके साथ में जो कि शायद से अपना राइवल भी है तो उसके साथ में गाइस अपने जो टीम अप हो चुकी है एंड दैट सिंबल लुक्स ऑसम यार सही में। एंड वो गाइस ये जो ग्रंट है शैडो ग्रंट वो भी सही लग रहा है, मुझे सही मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में एंड ये जो बंदा है गाइस वो तो और भी ज़्यादा ऑसम लग रहा है, उसकी कॉस्ट्यूम भी सही है एंड अभी फिलहाल तो गाइस इसके पास है इनके एंड स्कॉर्पी,
ओके तो गाइस यार अपना जो गिम्बल है वो स्कॉर्पियो के ऊपर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैं फायर फैंग करता हूँ एंड ये जो स्कॉर्पियो है उसके ऊपर मूव करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आई थिंक स्कॉर्पियो के ऊपर पे, स्कॉर्पियो के ऊपर पे, एंड वो अपने वन शॉट में भी फेंट हो सकता है। सो गाइस करते हैं फायर फैंग एंड यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है वो फेंट हो जाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। बट फिलहाल गाइस अपना हॉकी है लेवल 10 का एंड ओके इनके थोड़ा ताकतवर है, बट फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है वो फेंट हो चुका है अपने सुपर इफेक्टिव मूव के साथ में, दैट वाज द वेरी ऑसम। एंड अभी गाइस जो एनके है उसको फेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अपना जो गिब्बल है अपना जो ऑकी है वो थोड़ा सा इसके ऊपर पर इफेक्टिव होता नहीं है, तो अपन फायर फैंग करके देखते हैं गाइस इसके ऊपर पर कितना डैमेज पड़ता है। एंड यहाँ पे जो सैंडस्टॉर्म है उसके वजह से तो मुझे थोड़ी सी तो डैमेज पड़ रही है, बट फिलहाल गाइस यार यहाँ पे मेरे ऑकी ने तबाही मचा दी है, तो यहाँ पे गाइस अपन टैकल करते हैं। बट ऑकी यानी कि अपना जो एनके है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसी वजह से ऑकी को थोड़ा डैमेज पड़ा है, बट यहाँ पे गाइस जो एनके है वो हो चुका है फेंट। मज़ा आ गया गाइस यार, मुझे अभी लेवल 10 का ओकी मिला है यानी कि गिब्बल, जो कि बहुत ज़्यादा ही ऑसम है। एंड सच्चे में गाइस यार ये जो शैडो ग्रन की डिज़ाइन है वो मुझे बहुत सही लगी यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही सही लगी है। नॉट बैड आकाश, यू एंड यू आई मेक अ प्रीटी, बट आई विल बी टेक इट फ्रॉम हियर, लेट मी अस द पोशन ऑन योर पोकेमॉन टू हील इट फ्रॉम राइट। ओके तो यहाँ पे गाइस अपने पोकेमॉन भी हील हो चुके हैं एंड लार्वांटियर ने इसको एक जोर से काटा, बहुत जोर से। ऑल राइट आई गिव अप, आई हैव लेट यू थ्रू, प्लीज हैव अ मर्सी ऑन मी, डोंट हर्ट मी एनी मोर प्लीज। तो गाइस यहाँ पे वो जो बंदा है वो जा चुका है एंड लार्वांटियर भी रिटर्न आ चुका है उसके पोकेबॉल में। आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर नाउ, आई एम श्योर यू आर बी कैपेबल टू मेक केयर ऑफ यूर सेल्फ फ्रॉम हियर नाउ, सो इफ यू रन इनटू अ ट्रबल जस्ट कॉल मी। ओके ओ वन मोर थिंग, As soon as you get home, you are going to battle. Okay, so you impress me when I am battle together. So I want to see you now. I will be fair against you. So until then, don't tire up yourself. ओके तो गाइस यार यहाँ पे अपना जो गोगो है काय मास्टर गोगो वो यहाँ से जा चुका है, बट पता नहीं गाइस यार यहाँ पे जो पोकेबॉल है उसको मैं कैसे ले पाऊंगा। मगर फिलहाल तो गाइस यार अभी ये जो रूम है उससे बाहर निकलते हैं, देखते क्या सीन चालू है बाहर पे। एंड यहाँ पे गाइस यार ऑप्शन के अंदर पे मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैंने डार्क मोड को स्विच करा है यानी कि ओपन करा है कि नहीं। अगर आपको पता है तो गाइस यार आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे याद नहीं आ रहा, बट खैर मैं एक बार देख लूंगा। तो गाइस यार अभी चलते हैं बाहर पे एंड ओके शैडो बेस वन एफ। सो ये क्या बंदा है यार, बंदा बड़ा ही अजीब सा है एंड इस बंदे से भी बात करूँ तो ये भी बंदा मुझसे बैटल करेगा नहीं। मुझे लगा था गाइस ये जो बंदे हैं वो मुझसे बैटल करेंगे, बट फिलहाल तो इनमें से कोई बंदा मुझसे बैटल तो नहीं करना, बट खैर कोई बात नहीं। एंड ये बंदा कुछ ज़्यादा ही बोल गया मुझसे, मगर खैर कोई बात नहीं। सो ग्रंटे आई एम रियली सॉरी बट हाँ, थोस पीपल यू आस्क मी टू गार्ड, they found some Pokemon and escape. Fool! You could let them escape. Huh? They saw what we are doing in this lab. They saw. And if they realize what we are doing and tell anyone, the international police will send a whole ethics and committee after us. And that could be run and entire operation, and you think you a simple apology meal and will be overhand? No sir, I don't know, but it was just a small mistake. I promise it won't happen again. Marlon, I need you to send someone to obtain the weekly supplies from the Pokemart, and then make sure that they also be discreet on us, obtain a special package that is arriving today. So it's a critical for the operation to capture the spiceman UNO. Okay, right away. Grant. Yes sir. So yes sir. सो गाइस यार यहाँ पे जो ग्रंट है वो जा चुका है एंड यहाँ पे जो मैरलॉन है उसने एक आदमी को अभी भेज दिया है। वंस दैट ग्रंट वाज ऑब्टेन दैट पैकेज, टेक इट अप एंड यूज इट टू कैप्चर दिस स्पाइसमैन UNO. ऑन इट सर। ओके तो गाइस यहाँ पे मैरलॉन भी जा चुका है, मगर फिलहाल गाइस यार अभी ये जो बंदा है उससे मैं बात कर लेता हूँ। एंड इस बंदे ने गाइस यार अभी इस बंदे को एक पनिशमेंट दी है। नो प्लीज आई एम रियली सॉरी, नो प्लीज आई विल डू एनीथिंग टू फिक्स दिस, and hold him back this useless grunt to the lab and let the scientists know they have a genius
फिर ओके तू गाइस से अभी इस आदमी को तो एकदम फुंतरू बना दिया यार, मतलब कि इसके ऊपर अभी कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ होंगे, मगर फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पे जो अपना कटसीन है वो हो जाता है कंप्लीट। एंड अभी मैं आ चुका हूँ गाइस यार फिलहाल तो उस रूट से बाहर पे, मतलब कि एक वेयर हाउस था उससे बाहर तो अभी मैं आ चुका हूँ जो कि पूरी आइस टाइप एरिया है एंड शायद से गाइस यही अपना होम टाउन भी है। बट फिलहाल गाइस यार यहाँ पे गोगो भी है, तो अभी एक काम करते गाइस यार फटाफट से मैं गोगो से जो बातचीत है वो कंप्लीट कर लेता हूँ एंड डायरेक्टली गाइस यार बातचीत करते ही मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस यार यहाँ पे अपने दोनों के साथ में बात तो हो चुकी है, मगर फिलहाल गाइस यार यहाँ पे जो गोगो है वो अपने से बैटल करना चाहता है, तो यहाँ अपन इसके साथ बैटल करते हैं। एंड इसके पास अभी फिलहाल तो एक ही पोकेमॉन है, वो है लार्विंटियर। बट गाइस यार अभी नए जो लार्विंटियर है उसके ऊपर पे अपनी कोई मूव ज़्यादा इफेक्टिव होगी नहीं, क्योंकि जो लार्विंटियर है वो रॉक टाइप पोकेमॉन है, तो उसके ऊपर पे ना गाइस मेरा जो फायर फैंक है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं। उसी के साथ में गाइस जो अपनी टैकल मूव है वो इसके ऊपर पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी नहीं, मगर फिलहाल गाइस यार इसने मेरे ऑगी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा डाउन करी है। बट गाइस यार अभी अपन यहाँ पे टैकल करें तो इसके ऊपर पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बस ये बाइट ना करे, बाइट इसका जो है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड गाइस यार यहाँ पे मेरा ऑगी फेंट होते होते बचा है, बट उसने लास्ट में ऑरेंज बैरी यूज़ करा था तो वो बच गया था, मगर फिलहाल गाइस यार यहाँ पे जो ऑगी है वो फेंट हो चुका है। लास्ट में गाइस यार गोगो ने जो रॉक थ्रो यूज़ करा तो मेरा जो ऑगी है वो फेंट हो चुका था, मगर फिलहाल गाइस यहाँ पे जो प्रोफेसर उससे मैं बात करूँ एंड ग्रेट। तो गाइस यार अभी अपने दोनों के साथ में बात हो चुकी है, जो प्रोफेसर है वो भी जा चुका है, जो ओकी है वो तो अपने घर पे जा चुका है, मगर फिलहाल गाइस यार अभी ना सबसे पहले अपन को अपने घर पे जाना है। जो प्रोफेसर है उसने भी मुझे एक काम दिया है कि उसके लिए कोई एक पैकेज है जो बैलेंट टाउन में मिलेगा, वहाँ पर जाके अपन को जो प्रोफेसर है उसके लिए अपन को ना वो पैकेज लेके आना है। जो प्रोफेसर है वो खुद से नहीं जा सकता क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसने वो जो मिशन है वो अपन को दिया है, तो अपन वहाँ पर जाएंगे और वो जो पैकेज है उसको भी लेके आएंगे। मगर फिलहाल गाइस यार एक मिनट, अभी रूम में नहीं चलते, अभी रूम में नहीं चलेंगे, रूम के अंदर अपन में बाद में फिर कभी चलेंगे। बट फिलहाल गाइस यार बस अब मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया हो तो गाइस यार फटाफट से लाइक मार देना, एंड इस एपिसोड के ऊपर गाइस यार कम से कम 40 लाइक के ऊपर पे लाइक आप बस मार देना। मगर फिलहाल गाइस यार अभी ना नेक्स्ट एपिसोड में अपन को बहुत सी काम करनी है, अपने मॉम से बात करनी है, एंड उसी के साथ में गाइस जो प्रोफेसर है उससे भी गाइस उसका जो कुछ काम है वो भी अपन को कंप्लीट करना है, उसका कुछ बैकपैक है वो अपन को लेके आना है बैलिन टाउन से। एंड अभी गाइस अपन को जो मिस्ट्री है वो भी सॉल्व करनी है कैलोस रीजन एंड बैरोन रीजन के बीच में। बट फिलहाल गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।